हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कंपनी शैली के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा की चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, राजा रवि वर्मा जो भारत में कंपनी शैली को एक नई ऊंचाई पर ले गए, कंपनी शैली या उसी को पटना शैली कहा गया है, या उसी को जान शैली कहा गया है, उसी को बाजार शैली कहा गया है, तो इस शैली के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा और उनसे जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ख़ास करके परीक्षा के दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण है, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं राजा रवि वर्मा की। दोस्तों, राजा रवि वर्मा जिनका जन्म 28 अप्रैल 1848 ईस्वी को केरल राज्य के त्रावणकोर नाम की रियासत में एक किलीमन्नूर नाम का गांव था, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, राजा रवि वर्मा 58 साल 5 महीने की उम्र में, इनकी 2 अक्टूबर 1926 को त्रिवेंद्रम के पास अंतिकल नाम के स्थान पर हो गया था, लेकिन इन 58 सालों में चित्रकला को एक नई ऊंचाई पर ले गए और संभवतः भारत में उस समय उनकी बराबरी का कोई भी चित्रकार नहीं था। अगर हम राजा रवि वर्मा के परिवार की बात करें तो इनके परिवार में इनकी माता उमा अप्पा एक लेखिका थीं, इनके पिता का नाम E.N. नीलकंठन भट्ट थिरपुर था, जबकि इनकी पत्नी पूर्व तालीनाल त्रावणकोर के रानी लक्ष्मीबाई की महन थी। एक तरह से कह सकते हैं कि राजा रवि वर्मा का संबंध इस विवाह से ही त्रावणकोर के राज परिवार से जुड़ गया था। और इनकी एक बहन थी जिनका नाम मंगलाबाई था, मंगलाबाई एक चित्रकार थी। इनके भाई का नाम श्री राज रवि वर्मा था, इनके मामा का नाम राज वर्मा था और इनके एक पुत्र थे जिनका नाम राम वर्मा था। तो एक लंबा परिवार था इनका। और जहाँ तक चित्रकार की, इसे उत्कृष्ट कोटि के चित्रकार की बात है, तो इनमें जन्मजात चित्रकार के गुण थे, गाड गिफ्टेड थे यानी। और इस बात की जानकारी उस समय होती है कि जब इनके मामा राज वर्मा विष्णु भगवान का चित्र बना रहे थे और किसी कार्यवश उनको चित्र बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा, और तब राजा रवि वर्मा एक छोटे बच्चे थे और उन्होंने उत्सुकता बस उस चित्र को पूरा कर दिया और साथ ही साथ विष्णु का वाहन गरुड़ भी बना दिया, जबकि उनके मामा राज वर्मा इस गरुड़ पक्षी को नहीं बना रहे थे। और जब उन्होंने देखा इस बच्चे की प्रतिभा, तो उन्होंने उस कला प्रतिभा को पहचान लिया और प्रारंभिक कला गुरु के रूप में एक तंजौर शैली के चित्रकार थे आलमगीर नायडू, उनके पास ले गए। इन्होंने उनसे कला की शिक्षा ली और एक और कला गुरु थे रामास्वामी नायकर, जिनसे इन्होंने तैल रंग की शिक्षा ली, लेकिन अगर सॉरी जिनसे इन्होंने जल रंग की शिक्षा ली। इसके अलावा तैल रंग की शिक्षा इन्होंने थियोडोर जॉनसन नाम के चित्रकार से ली, और एक तरह से कह सकते हैं कि सांकेतिक शिक्षा। असल में थियोडोर जॉनसन एक डच कलाकार था। ये डच कलाकार ये हॉलैंड के थे, हॉलैंड जिसका वर्तमान नाम नीदरलैंड भी है, और हॉलैंड की एक कंपनी भारत में आई थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसीलिए थियोडोर जॉनसन को डच कलाकार भी कहा दिया जाता है। असल में थियोडोर जॉनसन त्रावणकोर के राजा रानी का चित्र बनाने के लिए आए थे, पोर्ट्रेट बनाने के लिए आए थे, और तब त्रावणकोर के राजा रानी से अनुरोध किया गया कि थियोडोर जॉनसन से कह करके कुछ तैल रंग की शिक्षा राजा रवि वर्मा को भी दे दें, लेकिन थियोडोर जॉनसन किसी भी प्रकार से शिक्षा देने के लिए मना कर दिया। और उसने कहा कि अगर आप बहुत है तो आप दूर से जो है
थियोडोर जॉनसन को चित्रकारी करते हुए देख सकते हैं, लेकिन बीच में किसी प्रकार का कोई डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, आप चुपचाप केवल देखिए। और राजा रवि वर्मा केवल थियोडोर जॉनसन को चित्रकारी करते हुए देख करके तैल रंग से चित्र बनाना सीख लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण थी अपने आप में, और वाकई में इनमें चित्रकार बनने के गुण जन्मजात थे, जिन्होंने दूर से ही देख करके तैल रंग की शिक्षा ले ली। और कहते हैं कि बाद में थियोडोर के जॉनसन से कहीं उत्कृष्ट कोटि के चित्र राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया था। राजा रवि वर्मा के द्वारा कहते हैं कि प्रारंभिक कला की शिक्षा अपने मामा राज वर्मा से भी प्राप्त किए थे। अच्छा, कहीं कहीं पर इनके मामा को अंकल कह दिया गया। असल में जो इंग्लिश वर्जनी किताबें हैं वहाँ अंकल शब्द मामा और चाचा दोनों के लिए होता है, लेकिन अगर भारत में देखें रिश्तों में तो अंकल और चाचा और मामा में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, तो वहाँ अंकल को लोग ट्रांसलेट करके सीधे चाचा कर दिए, लेकिन चाचा नहीं थे, इनके मामा थे। और यहाँ अभी हम लोग पहले भी चर्चा किए कि राजा रवि वर्मा ने मुख्य रूप से धार्मिक पौराणिक विषयों को ही अपने चित्रण का माध्यम बनाए, हालांकि इनके द्वारा सामान्य जनजीवन से संबंधित चित्र, ऐतिहासिक चित्र, सामाजिक चित्र, राज परिवार से संबंधित बहुत से चित्र चित्रित किए, लेकिन इनके अगर चित्रकारी का मुख्य विषय देखें तो धार्मिक और पौराणिक विषय ही पर इन्होंने मुख्य रूप से चित्र चित्रित किए। राजा रवि वर्मा के चित्र उस समय इतने उत्कृष्ट कोटि के हुआ करते थे, और साथ ही साथ अंग्रेज़ों ने इनकी कला को प्रोत्साहित भी किया, क्योंकि राजा रवि वर्मा तैल रंग से बड़े ही उत्कृष्ट कोटि के चित्र बनाया करते थे, और इसको प्रोत्साहित करने के लिए अंग्रेज़ों ने इनको बहुत ही मान सम्मान दिए। इनको 1873 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर लॉर्ड होबार्ट के द्वारा गवर्नर जनरल का स्वर्ण पदक दिया गया। असल में इस प्रतियोगिता में राजा रवि वर्मा ने एक चित्र प्रदर्शित किया था, नायर महिला बालों में चमेली का हार गूंजते हुए, उस चित्र पर गवर्नर जनरल का स्वर्ण पदक मिला। एक पुणे में चित्रकला प्रदर्शनी हुई थी 1880 ईस्वी में, और इस प्रदर्शनी में इन्होंने सीता वनवास नामक एक चित्र बनाया था, प्रदर्शित किया था। इस पर इन्हें गायकवाड़ स्वर्ण पदक मिला। एक स्वर्ण पदक इनको और मिला था, इन्होंने एक चित्र बनाया था शरबत बजाती हुई तमिल युवती। इसके अलावा एक चित्रकला प्रदर्शनी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित हुई थी, और इस प्रदर्शनी में भी इन्होंने नायर महिला बालों में चमेली का हार गूंजते हुए नामक चित्र प्रदर्शित किया था। इस पर इन्हें योग्यता प्रमाण पत्र मिला। इसके अलावा राजा रवि वर्मा को वीर सिंगराल की पदवी दी गई थी, इसी को बैगल ऑफ आवर भी कहा जाता है, और यह पदवी इन्हें त्रावणकोर के राजा और रानी का चित्र बनाने के लिए दिया गया था। लेकिन राजा रवि वर्मा को सबसे बड़ा सम्मान जो मिला था वो केसरे हिंद पदक था, और केसरे हिंद पदक ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1904 ईस्वी में दिया गया था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे, तो उन्हीं के द्वारा यह सम्मान दिया गया। और कहते हैं कि अब रवि वर्मा राजा रवि वर्मा हो गए। देखेंगे उनके चित्रों में वो जो पदक था केसरे हिंद वो हमेशा अपने कोट के ऊपर लगाया करते थे। भारत में दो ही लोगों को केसरे हिंद का सम्मान दिया गया था, एक राजा रवि वर्मा और दूसरे महात्मा गांधी। हालांकि महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप उस पदक को वापस कर दिया था। दोस्तों, राजा रवि वर्मा जो चित्र बनाए गए उस चित्र को देख करके बहुत से लोगों ने अपने चित्र बनवाने के लिए इनसे अनुरोध करने लगे, जिसमें बड़े बड़े राजा महाराजा थे, और साथ ही साथ धार्मिक विषयों को लेकर के लोगों की इच्छा थी कि धार्मिक विषयों पर चित्रकारी करें। और तब राजा रवि वर्मा ने पूरे भारत के भ्रमण करने की बात की, क्योंकि विभिन्न देवी देवता विभिन्न विभिन्न स्थानों पर जो है उनका निवास स्थान माना जाता है, और वहाँ उस तरह की चीज़ें जो है नाटकों के माध्यम से मंचित होती है। जैसे अब उत्तर भारत में देखें तो यहाँ रामलीला है, रासलीला है, जहाँ राम कृष्ण
आदि देवता दिखाए जाते हैं। तो इन्होंने उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया और वहाँ नाट्य मंडलियों में इन्होंने जो देखा देवी देवताओं को, वही इन्होंने अपने चित्रों में उसी रूप में चित्रित कर दिए। इसीलिए कला समीक्षक राय कृष्णदास कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी आदि लोगों ने राजा रवि वर्मा के चित्रों पर नाटकीय प्रभाव माना है। लेकिन राजा रवि वर्मा के चित्रों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी और कहते हैं कि शायद अपने जीवन भर चित्रकारी करते तब भी उसको ये पूरा नहीं कर सकते थे, और इसलिए बड़ौदा के दीवान माधव राव के सहयोग से मुंबई के घाटकोपर में 1894 ईस्वी में इन्होंने एक प्रेस स्थापित किया, लिथोग्राफी प्रेस। इसी लिथोग्राफी प्रेस को आलियोग्राफी बोल देते हैं, इसी को अश्वमुद्रण बोलते हैं, इसी को शिला चित्रण बोलते हैं, वो हम लोग ग्राफिक में देखेंगे स्पेशली। तो यहाँ मुंबई में इनके द्वारा जो प्रेस स्थापित किया गया, उसके लिए जो तकनीकी सहयोग दिए थे जर्मनी के दो व्यक्ति थे, जिरचर्ड और स्लेशर, इन्होंने छपाई में राजा रवि वर्मा को सहयोग दिया और इस प्रेस से छापा गया पहला चित्र शकुंतला था, शकुंतला का जन्म। कहते हैं कि इस प्रेस से राजा रवि वर्मा के चित्र के मूल्य इतना घट गए कि 25 नए पैसे में जो है फुटपाथ पर इनके चित्र बिकने लगे, और कुछ कला आलोचकों ने इनको फुटपाथ का चित्रकार कह दिया। लेकिन एक बहुत बड़ी क्रांति थी, सामाजिक क्रांति थी उस समय जो इनके द्वारा लाई गई अपने चित्रों के माध्यम से। उस समय जब देवी देवता मंदिरों में रहते थे और एक वर्ग विशेष के लिए ही सुलभ थे, बहुत से भारत में ऐसी जातियाँ थी जिनको मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, और राजा रवि वर्मा ऐसे व्यक्ति थे जो उन मंदिरों से देवी देवताओं को निकाल करके फुटपाथ पर ले आए, अर्थात कह सकते हैं कि जन सामान्य के घरों में भी वे देवी देवता 25 नए पैसे में पहुंच गए। ये बहुत बड़ी बात थी कि जिनके दर्शन नहीं हो पाते थे अब आज वो उनके घरों में हैं, और यह क्रांति लाने वाले राजा रवि वर्मा थे। और राजा रवि वर्मा एक मुंबई की पारसी नाट्य मंडली थी, उससे भी बड़े प्रभावित थे। वहाँ भी जो है धार्मिक नाटकों का मंचन हुआ करता था, उसमें जौहर और गौहर नाम की दो अभिनेत्रियाँ हुआ करती थी, उनसे भी राजा रवि वर्मा बड़े प्रभावित थे, उनके प्रति एक आकर्षण था। और पारसी नाट्य मंडलियों से प्रभावित होकर के भी इन्होंने बहुत से चित्र बनाए। और एक महिला कला समीक्षक हैं, आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, जया अप्पा स्वामी, इन्होंने राजा रवि वर्मा के चित्रण शैली को विक्टोरिया इंडियन शैली कहा। असल में विक्टोरिया इंडियन शैली कहने के पीछे कारण ये था कि इनका जो विषय था वो इंडियन था और जो शैली थी वो विक्टोरिया अर्थात इंग्लैंड की रॉयल अकेडमिक पद्धति से चित्रकारी की शिक्षा की तकनीक थी टाइल रंग से। तो इसलिए कला समीक्षक जया अप्पा स्वामी जी ने इनके चित्रण शैली को विक्टोरिया इंडियन शैली कहा। और राजा रवि वर्मा के बारे में कहता है कि ये भारतीय कैलेंडर के जन्मदाता भी कहे जाते हैं, और इनको बहुत सी उपाधियाँ दी गई, लेकिन इनको चित्रकारों का राजकुमार भी कहा जाता है। राजा रवि वर्मा का जो प्रेस था, प्रेस में कुछ कट्टरपंथियों के द्वारा आग लगा दिया जाता है, और इस प्रेस से इन्हें बड़ी आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। दरअसल जब इन्होंने अपने चित्रों में देवी देवताओं को चित्रित किए, तो ये इनकी एक प्रेमिका थी जिनका नाम सुगंधा था, उनको ये मॉडल के रूप में चित्रित किया करते थे, मॉडल के रूप में बैठा करके चित्र बनाया करते थे। और इन्होंने कई देवियों के चित्र बनाए, सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी, और कुछ अप्सराओं को बनाए, रंभा वगैरह। और ये सुगंधा एक बेस्या की पत्नी थी, और कुछ हिंदू कट्टरपंथी जब देखे कि देवी देवताओं को ये तो मंदिरों से निकाल करके लोगों के घरों में पहुंचा दिए, तो इनके खिलाफ़ एक षड्यंत्र रचना शुरू कर दिए। और इन्होंने कहा था कि हमारी देवी देवताओं को एक बेस्या की पुत्री के रूप में चित्रित किए, यह धर्म का नाश है, अश्लील चित्र इनके द्वारा बनाया गया। तो
तो ये सब आरोप लगा करके लोगों ने इनकी लिथोग्राफी प्रेस में आग लगा दिया। इसमें बहुत से इनके कीमती चित्र जल गए, पूरा प्रेस जल गया, और साथ ही साथ इनके ऊपर मुकदमे भी अश्लीलता फैलाने का लगा दिया गया। लेकिन सारे आरोपों से बरी हुए, लेकिन यह है कि प्रेस फिर ये नहीं चला पाए, इनको बेचना पड़ा। राजा रवि वर्मा के ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है रंग रसिया, इसी को इंग्लिश में कलर ऑफ पैशन भी कहा गया है। हालांकि ये फिल्म लंबे समय तक सेंसर बोर्ड के विवादों में फंसी रही, और इस फिल्म को बनाने वाले जो निर्देशक थे केतन मेहता थे। इस फिल्म में रणदीप हुड्डा ने राजा रवि वर्मा का किरदार निभाया है, जबकि अमर्त्य सेन की पुत्री जो मशहूर अर्थशास्त्री थे, जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, इनकी पुत्री का नाम नंदना सेन था। इसमें नंदना सेन ने मुख्य अभिनेत्री अर्थात सुगंधा का किरदार निभाया था। इसके अलावा एक राजा रवि वर्मा के ऊपर एक और फिल्म बनी थी 2010 ईस्वी में, एक मलयालम फिल्म बनी थी जिसका नाम था मकर मंजू, या इसी को इंग्लिश में कहा गया है द मिस्ट ऑफ मकर। और इस फिल्म के जो निर्देशक थे लेलिन राजेंद्रन थे, और संदीप वर्मा ने इसमें राजा रवि वर्मा का किरदार निभाया था, और इसमें सुगंधा का किरदार कार्थिया नाम की एक अभिनेत्री ने निभाया था। और अपने को बताया थी कि राजा रवि वर्मा ने अपने जीवन में बहुत से चित्रों को चित्रित किया, और अगर इनके प्रमुख चित्रों की बात की जाए तो इनके प्रमुख चित्रों में नायर महिला, बालों में चमेली का हार गूंथते हुए, शरबत बजाती तमिलीवती, शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन, कहता है कि यह चित्र राजा रवि वर्मा का पहला पौराणिक चित्र है। इसके अलावा इनके चित्रों में हंस और महिला, गरीबी, माँ बच्चा, दादा भाई नौरोजी का व्यक्ति चित्र, महाराणा प्रताप का व्यक्ति चित्र, उषा यों अनिरुद्ध, भिक्षुड़ी, बिलज बैली या इसी को गांव की घाटी कहा गया है, सत्यवादी हरिश्चंद्र, ड्यूक ऑफ बर्किंगहम। और राजा रवि वर्मा ने बहुत से पौराणिक चित्र भी बनाए थे। आप लोग बताए भी थे कि राजा रवि वर्मा के चित्रण का मुख्य विषय धार्मिक और पौराणिक ही था। इन्होंने पाश्चात्य तकनीक से भारतीय विषयों को चित्रित किया, और इनके पौराणिक चित्रों में अगर देखें तो एक चित्र है राम द्वारा समुद्र का मानभंग, विराट का दरबार, श्री कृष्ण और बलराम दूत के रूप में, श्री कृष्ण, रावण और जटायु, मत्स्य गंधा, या कहीं कहीं पर इसी को मत्स्य गंधी कह दिया गया है, या सत्यवती कह दिया गया है, सीता हरण, भीष्म प्रतिज्ञा, द्रौपदी, सरस्वती, गंगा और शांतनु, द्रौपदी श्री कृष्ण को पुकारते हुए, वामन अवतार, गंगस अवतरण या गंगा अवतरण, इंद्रजीत की विजय, साधु और मेनका, हंस यूं दमयंती, ऐसे बहुत से धार्मिक पौराणिक चित्र हैं। और अगर इनके चित्रों की चर्चा की जाए तो बहुत से चित्र इनके द्वारा बनाए गए, लेकिन कुछ और चित्रों की चर्चा कर लेते हैं। और इन चित्रों में कुलीन महिलाएं, बाला या इसी को कन्या भी कहा गया है, चांदनी रात में पनघट से लौटते हुए, सेवानिवृत्त सिपाही, कंजूस वृद्ध, मंदिर के द्वार पर भीख मांगते हुए, मंदिर के द्वार पर भीख मांगते हुए के अलावा फल लिए महिला, नींबू लिए महिला, महिला एवं दर्पण, उदयपुर के महाराणाओं के चित्र, लेडी इक्ट हिल, श्रृंगार, मेनका, पक्षी दूत, रोमांटिक कपल, लेडी लाफ्ट इन थाट, जैसे बहुत से चित्र इन्होंने मात्र 58 वर्ष 5 महीने और 3 दिन में ही इनका देहांत हो गया, लेकिन इन 58 सालों में ही चित्रकला की महत्वपूर्ण उपलब्धियां, धन संपदा और सम्मान राजा रवि वर्मा के द्वारा कमाया गया। और इस वीडियो में राजा रवि वर्मा से जुड़ी हुई इतनी ही बातें।
शेष अगले वीडियो में किसी और चित्रकार की चर्चा करेंगे। तब तक हमसे जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत